विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी अब बर्फबारी के कारण ठप पड़ गए हैं, जबकि कार्यों में लगे मजदूर भी नीचे लौटने लगे हैं। बर्फबारी के कारण धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है। 2 दिनों से धाम में बर्फ गिर रही है। बर्फबारी के बीच यहाँ मौजूद बर्फबानी बाबा ललित महाराज भोले की तपस्या में लीन है। वे यहाँ पर भगवान केदारनाथ पालतू जानवरों की सेवा में जुटे हुए हैं, साथ ही बाबा की भक्ति भी कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम के अलावा तृतीय केदार तुंगनाथ में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद भी यहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमालय में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। धाम में 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद पूरी केदारपुरी सफेद हो गई है। बर्फबारी के चलते धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं, जहां अब धाम में अत्यधिक ठंड बढ़ने लगी है। धाम में आपदा के बाद से पूरे साल भर रहने वाले बर्फबानी बाबा ललित महाराज भोले भी तपस्या में लीन है। वे बाबा की भक्ति के साथ ही यहां पर पालतू जानवरों की सेवा में जुटे हुए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के अलावा तृतीय केदार तुंगनाथ में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद भी यहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हैं, लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड चोपता पहुंचने वाले पर्यटक तुंगनाथ भी जा सकते हैं। चोपता, देवरीताल सहित अन्य स्थलों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश होने से काश्तकारों ने भी राहत की सांस ली है। पर्यटक स्थलों में बर्फबारी के बाद पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि केदारनाथ धाम में पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के साथ ही साधु संत मौजूद हैं। अगर धाम में ज्यादा बर्फबारी होती है तो मजदूरों के साथ ही पुलिस जवान भी वापस लौट आएंगे। पुलिस बल वहाँ पर उपलब्ध है, अभी मौजूद है, और मंदिर की सुरक्षा गार्ड भी वहाँ पर मौजूद है। तो कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं और उस पर नजर बनाए रखें। तो बर्फबारी अगर ज़्यादा होती तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर रहेंगे या वापस लौटेंगे? देखिए, समय के अनुसार निर्णय लिया जाता है। अभी वहाँ पर रहने लायक स्थिति है, तो अभी वहीं पर मौजूद है। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।